नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्यों पेरिक्लीज के शासनकाल को यूनान के इतिहास का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज अथवा क्लासिकल एज क्यों माना जाता है। आइए सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया पेरिक्लीज के बारे में ले लेते हैं। पेरिक्लीज का जन्म 493 BC में एक कुलीन वंश में हुआ था। उसके पिता का नाम जेंथिगस था जो कि एथेंस के भूतपूर्व जल सेनापति थे। पेरिक्लीज की शिक्षा उस युग के प्रसिद्ध विद्वानों की देखरेख में हुई थी और यह 13 वर्ष की अवस्था में एथेंस की सेना का सेनापति बन गया था और इसने 469 BC से 429 BC तक शासन किया था एथेंस में। इसके शासनकाल में एथेंस की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। पेरिक्लीज का शासनकाल राजनैतिक दृष्टि से कहीं अधिक सांस्कृतिक दृष्टि से अधिक प्रसिद्ध है। वस्तुतः अपनी उपलब्धियों के कारण ही यह काल यूनानी इतिहास का स्वर्ण काल अथवा क्लासिकल एज के नाम से जाना जाता है। साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान आदि के क्षेत्र में इस समय में जो प्रगति या जो उन्नतियां हुई थी वह बाद के युगों के लिए आदर्श की वस्तु बन गई थी। आइए एक एक करके हम लोग ये जानते हैं कि किन किन क्षेत्रों में अच्छी खासी प्रगति पेरिक्लीज के शासनकाल में हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग साहित्य प्रगति के बारे में अगर बात करें तो पेरिक्लीज काल में यूनानी साहित्य का चरम विकास हुआ था। साहित्य के विभिन्न अंगों जैसे नाटक, काव्य, इतिहास शास्त्र आदि का पूर्ण विकास इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम लोग नाटक की बात करें तो पेरिक्लीज के काल में एथेंस वासियों की साहित्यिक प्रतिभा सबसे अधिक दुखांत नाटकों यानी ट्रेजेडी की रचनाओं में व्यक्त होती है और इनके जो नाटक हैं वो आदर्शवादी हैं, जिनमें असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, पाप के ऊपर पुण्य की विजय प्रदर्शित की गई है। नाटकों के कथानक प्राचीन धार्मिक आख्यानों से ग्रहण किए गए हैं। इनमें नारी प्रेम को निषिद्ध दिखाया गया है। यूनान के दुखांत नाटकों का संस्थापक एस्काइलस को माना जाता है। साहित्यकार होने के साथ साथ यह एक वीर योद्धा भी था तथा अनेक युद्धों में भाग ले चुका था। इसने लगभग 80 नाटकों की रचना की है लेकिन इनमें से हमको केवल 7 ही प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख नाटक जैसे प्रोमेथियस बाउंड, द पर्सियन, ओरेस्टिया, सेवन अगेंस्ट थीब्स ये सब प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। एस्काइलस भाग्यवादी एवं आस्तिक प्रकृति का व्यक्ति था। प्रोमेथियस बाउंड में उसने भाग्य के सम्मुख नायक की व्यवस्था का इतना सुंदर चित्रण किया है कि पाठकों का हृदय उसके प्रति सहानुभूति से भर जाता है। इसे विद्वानों ने दुखांत नाटक का साक्षात स्वरूप कहा है। ओरेस्टिया भी एक उत्कृष्ट रचना है, इसमें रूढ़वादी भावनाओं की प्रमुखता है। एस्काइलस ने सर्वत्र सदाचार का समर्थन किया है। इसके बाद अगर हम बात करें एस्काइलस के बाद सोफोक्लीज का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। एक किलोनस का रहने वाला था तथा सामाजिक जीवन में भी इसकी गहरी दिलचस्पी थी। वह सेना नायक के रूप में भी कार्य कर चुका था। इसने 113 नाटकों की रचना की है जिनमें से 7 ही प्राप्त हैं। इनमें ओएडियस रेक्स, एंटीगोन, इलेक्ट्रा, ओडिपस, कॉलोनस, फ्लेक्टोटीस आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। सोफोक्लीज के नाटकों में निराशावादी अभिव्यक्ति हमको प्राप्त होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूरोक्लीज यूनान का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दुखांत नाटककार है। यह एटिका का रहने वाला था। यह स्वभाव से संकालु, व्यक्तिवादी तथा मानवतावादी था। उसने अपने समय की धार्मिक कुप्रथाओं, अनैतिक परंपराओं, स्त्रियों की बुरी अवस्था थी, दासों पर अत्याचार, युद्ध आदि का विरोध करते हुए यूनानी नाटककारों के विपरीत सामान्य मनुष्यों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया था। इससे पहले इसी ने नारी प्रेम को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। मनुष्य को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का यह हिमायती था। यूरिपिडीज ने कुल 72 नाटकों की रचना की है जिनमें से 18 ही प्राप्त है। इनमें अगर प्रमुख नाटकों की हम बात करें तो एलकेस्टिस मीडिया, द ट्रोजन विमेन,
हिप्पोलेट्स, इलेका और एस्टीज, दबेकी आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा अगर हम लोग यूनानी सुखांत कारक नाटककारों की बात करें तो इनमें से एरिस्टोफेनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सार्वजनिक जीवन में सदाचार तथा वह सदाचरण का समर्थक था। जीवन की अत्यंत छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से उसने अपने काल की राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। कुलीन परिवार में पैदा होने के कारण वह जनतंत्र का भी विरोधी था। दार्शनिकों तथा राजनीतिज्ञों की भी उसने कड़ी आलोचना की है। उसे 42 नाटकों की रचना का श्रेय प्रदान है, केवल 11 नाटक ही उनमें से हमको प्राप्त होते हैं। अगर उसके कुछ प्रमुख नाटकों की बात की जाए तो द फ्रॉग, द बर्ड, द क्लाउड, द बी, ये सब विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके अलावा अगर हम काव्य की बात करें तो पेरिक्लीस के काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि जो हुआ उसका नाम था पिंडर। उसने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया तथा कई राज्यों में राज कवि के पद पर नियुक्त हुआ। कवि होने के साथ साथ हुआ कुशल गायक एवं बीड़ा वादक था। वह धार्मिक तथा सत्क्रियावादी था और कुलीन वर्ग का समर्थन करता था। एथेंस के लोग उसके गीतों पर बहुत ही अधिक मोहित थे या सम्मोहित थे। उसके मरने के बाद एथेंस वासियों ने उसकी मूर्तियां बनवाई तथा रोडियनों ने उसके गीतों को मंदिर की दीवारों पर भी उत्कीर्ण करवाया था। सिकंदर तक ने उसके गीतों से मुग्ध होकर थीज नगर को नष्ट कर देने पर केवल उसका घर ही सुरक्षित छोड़ा था। अब आइए इतिहास शास्त्र की ओर चलते हैं। इतिहासकार शास्त्रों की अगर बात इतिहास शास्त्रों में अगर हम बात करें तो पेरिक्लीज के युग में अनेक इतिहासकारों का उद्भव हुआ था, जिनमें से दो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक तो है हेरोडोट्स का, दूसरा है थुकीडिडीस का। सबसे पहले आइए हेरोडोट्स के बारे में जानते हैं। हेरोडोटस, जन्म इसका था 484 से लेकर 425 ईसा पूर्व बीसी, यानी इतने समय तक ये जीवित रहा था। तो इसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है क्योंकि इसने ही इतिहास प्रारंभ किया था। इसे इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता है। इसका जन्म एशिया माइनर के हेलिकार्नेसस नामक स्थान में एक कुलीन परिवार में हुआ था। राजनैतिक गतिविधियों से संबंधित रहने के कारण उसे 32 वर्ष की अवस्था में देश से निकाल दिया गया था, देश निकाला प्रदान कर दिया गया था। इस अवधि में उसने विभिन्न देशों का भ्रमण किया था तथा इतिहास लेखन के लिए अनेक सामग्रियां एकत्र की। 447 ईसा पूर्व में ये एथेंस वापस लौटा तथा हिस्ट्रीज नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इसमें मिस्र, निकट पूर्व के देशों तथा यूनानी इतिहास के पौराणिक काल से लेकर ईरान के साथ संघर्ष का विवरण मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका ग्रंथ विश्व इतिहास यानी यूनिवर्सल हिस्ट्री कहा जाता है। राजनैतिक घटनाओं के साथ ही साथ इसमें साहित्य, कला, विज्ञान, धर्म, वेशभूषा, श्रृंगार प्रसाधन आदि का भी वर्णन प्राप्त होता है। परंतु इसका जो विवरण है वो किंवदंतियों, अनुश्रुतियों तथा अफवाहों पर आधारित होने के कारण कम विश्वसनीय माना जाता है। अब आइए दूसरे इतिहासकार की बात करते हैं हम लोग, थुकीडिडीस। इसका जो समय काल है वो 460 BC से 400 BC तक माना जाता है। ये इस काल का यानी पेरिक्लीस के काल का दूसरा प्रमुख इतिहासकार है। इसे वैज्ञानिक इतिहास का जनक माना जाता है। यह एथेंस के एक कुलीन परिवार में पैदा हुआ था। यह कुशल योद्धा तथा सेनापति था तथा एथेंस के विरुद्ध युद्ध में एक सेना का भी नेतृत्व किया था इसने। हेरोडोट्स के समान थुकीडिडीस ने कई स्थानों पर भी भ्रमण किया था तथा पर्याप्त जानकारी अर्जित की थी। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ द पेलोपोनेसियन वार है। ये इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें स्पार्टा तथा एथेंस के संघर्ष का वर्णन मिलता है। दुर्भाग्यवश ये ग्रंथ अधूरा है। उसके लेखन का उद्देश्य घटना के कारण विकास तथा परिणाम को प्रस्तुत करना था। हेरोडोट्स की भांति उसने सुनी सुनाई बातों अथवा अफवाहों को अपने लेखन का आधार न बनाकर स्वयं देखी हुई अथवा सुनी हुई घटनाओं का विवरण निष्पक्ष भाव से प्रस्तुत किया है। थुकीडिडीस का विवरण हेरोडोट्स से
कहीं अधिक यथार्थ तथा विश्वसनीय है। मैकाले ने उसे महानतम इतिहासकार की संज्ञा दी है, परंतु उसका भी विवरण है वो पूरी तरीके से दोषमुक्त नहीं है। उसने घटनाओं का वर्णन करते समय राजनैतिक पक्ष पर ही अधिकाधिक बल दिया है तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की घोर उपेक्षा की है। कला, साहित्य, दर्शन आदि विषय उसकी लेखनी से पूर्णतः अछूते रह गए हैं। इस प्रकार उसके ग्रंथ से स्वर्णकालीन संस्कृति पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। भाई कला एवं स्थापत्य के बारे में जानते हैं। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में इरिक्लीज युगीन यूनानियों ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। यूनानी काल की कुछ अपनी विशेषताएं थी। इसके आदर्श केवल लौकिक उपादान ही बने थे। यूनानियों की दृष्टि में मनुष्यों तथा देवताओं में केवल रूप का अंतर होता था। इस कारण यूनानी मनुष्य का सौंदर्यपूर्ण चित्रण करके वह उसमें देवत्व को आरोपित करने में विश्वास किया करते थे। इतिहासकार थुकिडिडेस पी श्रृंखला विहीन सौंदर्य का पक्षधर था। यूनानी कलाकार का उद्देश्य मिस्र के कलाकारों के समान राज्य तथा राजा के गौरव को व्यक्त करना कदापि नहीं था, अपितु वह राष्ट्रीय गुणों को सर्वोत्तम रूप में प्रकट करना चाहते थे। उनकी कला में व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं है, बल्कि मानव आकृतियां समस्त मानव जाति की उत्कृष्टता को सूचित करती हैं, जिसे हम नेक्स्ट सेक्शन के जरिए जान सकते हैं। आइए वास्तुकला के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पेरिक्लीज यूनान का सांस्कृतिक हृदय स्थल एथेंस को बनाने के लिए इच्छुक था। इस उद्देश्य से उसने नगर को भव्य तथा अलंकृत बनवाने का प्रयास किया। उसके उदय के पूर्व यह नगर पारसियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। उसने नगरों को चौड़ी सड़कों द्वारा पिरेयस तथा फ्लेरम के बंदरगाहों से जोड़ा तथा सड़कों को दोनों तरफ से सुरक्षा दीवारों से घेर दिया गया, ताकि शत्रुओं के आक्रमण से उसकी रक्षा की जा सके। पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया तथा नवीन सड़कें भी बनवाई गई। नगर में सफाई की समुचित व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त ढंग से की गई। पेरिक्लीज ने एथेंस में अनेक सुंदर भवनों का निर्माण करवाया। उसके समय तक यूनानी कलाकार डोरिक तथा आयोनिक शैलियों में दक्ष हो गए थे। डोरिक शैली के स्तंभ भारी और मोटे होते हैं तथा उनका ऊपरी हिस्सा सादा होता है। वह ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः पतले होते जाते हैं तथा उनका शीर्ष भाग कुंडलाकार होता है। 5वीं सदी ईसा पूर्व में डोरिक सर्वाधिक लोकप्रिय शैली थी। पेरिक्लीज ने भवनों तथा मंदिरों के निर्माण में डोलोस संघ के कोष का खूब उपयोग किया था। यह कोष डोलोस से मंगाकर एथेंस में रखा गया। उसके द्वारा निर्मित कराए गए भवनों में सभा भवन, संगीत भवन तथा पार्थेनोन का मंदिर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सभा भवन में पेरिक्लीज भाषण दिया करता था, जबकि संगीत भवन में उसकी अध्यक्षता में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, संगीत, नृत्य, नाटक आदि का आयोजन किया जाता था। पार्थेनोन का मंदिर यूनानी वास्तुकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है। डोरिक शैली में निर्मित इस मंदिर का निर्माण इक्टिनस तथा केलेक्रेटिस नामक प्रसिद्ध यूनानी वास्तुकारों द्वारा किया गया था। यह एक आयताकार मंदिर है तथा इसे सफेद संगमरमर के द्वारा बनाया गया है। यह मंदिर 228 फीट लंबा, 101 फीट चौड़ा तथा 65 फुट ऊंचा था। मंदिर के बीचों बीच फीडियस द्वारा निर्मित इथना देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी। इस मंदिर में अनेक सुंदर एवं आकर्षक चित्रकारियां भी मिलती हैं। इतिहासकार डूरेंट ने इस मंदिर को कलात्मक अभिव्यक्ति का सर्वोच्च प्रयास कहा है। अब आइए जानते हैं मूर्ति कला के बारे में। यूनानी कला का सर्वोत्तम विकास इसकी मूर्तियों के जरिए ही देखा जा सकता है। डिकिंसन के अनुसार यूनानी मूर्तिकला राष्ट्रीय धर्म तथा राष्ट्रीय जीवन दोनों का द्योतन करवाती है। यूनानी मूर्तियों के विषय देवता, मनुष्य, पशु पक्षी ये सभी हुआ करते थे। सभी मूर्तियों में सुडौलता एवं सुंदरता पाई जाती है। पेरिक्लीज युगीन मूर्तिकार स्वर्ण, हाथीदांत, कांसा, संगमरमर आदि से सुंदर एवं भव्य मूर्तियों का निर्माण कर लेते थे। इस काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्तिकार जो था वो फीडियस था।
और इसकी सर्वोत्तम रचना एथना देवी की मूर्ति है जो उसने पार्थेनोन के मंदिर के लिए बनाई थी। यह स्वर्ण तथा हाथी दास से निर्मित है और तकरीबन 38 फीट ऊंची थी। इसके अतिरिक्त फीडियस ने एथना देवी की ही दो अन्य कांसे की मूर्तियां बनाई थी जिनमें प्रथम को हम लोग एथना लेमनियन तथा दूसरी को एथना क्रोमोकोस के नाम से जानते हैं। पहली मूर्ति इसकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है जबकि दूसरी अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। फीडियास ने ओलंपिया के निवासियों के लिए 60 फुट ऊंची जियस देवता का एक मूर्ति तैयार की थी। उसने पार्थेनोन मंदिर के रिलीफ चित्रों को सुसज्जित करवाया था। फीडियस द्वारा निर्मित जियास की मूर्ति अपनी भव्यता, सौंदर्य तथा सजीवता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसकी गणना प्राचीन दुनिया के 7 महान आश्चर्यों में की जाती है। फीडियस की महानतम कलाकृतियों के बावजूद उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाकर एथेंस के न्यायाधीश द्वारा उसे दंडित किया गया था। संभवतः एथेंस के कारागार में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके साथ उसकी कला भी समाप्त हो गई। अब आइए चित्रकला के बारे में भी जान लेते हैं। पेरिक्लीज युग के कलाकारों ने चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। चित्रकला के क्षेत्र में हम यहाँ 3 विधियों का प्रचलन पाते हैं, फ्रेस्को विधि, टेम्पेरा विधि, एनकॉस्टिक विधि। फ्रेस्को विधि में चित्रकार दीवार पर ताजा प्लास्टर लगाकर उसके ऊपर चित्र बनाता था तथा टेम्पेरा विधि में रंगों में अंडों की सफेदी मिलाई जाती थी तथा गीले कपड़े अथवा बोर्ड के ऊपर चित्र तैयार किए जाते थे। एनकॉस्टिक विधि के अंतर्गत रंगों को मोम में मिलाकर चित्र तैयार किए जाते थे। चूंकि यूनान की चित्रकला वस्तुकला की सहायक थी अतः यहाँ चित्र अधिकतर टेम्पेरा विधि से ही बनाए जाते थे। पेरिक्लीज युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार पॉलीगनेट्स था जिसने कई सारे चित्रों का निर्माण किया था। इनमें से इसके कुछ प्रसिद्ध चित्रों की अगर हम बात करें तो ट्राय का विनाश, रेप ऑफ द ल्यूसी इडाई, ओडिसियस इन हेडीज, ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसने डेल्फी के मंदिर को भी अपने चित्रों के माध्यम से सुसज्जित किया था। पॉलीगनोट्स के पश्चात ज्यूगसीस तथा परेसियस नामक दो प्रसिद्ध चित्रकार पेरिक्लेस युग में आविर्भूत हुए थे। उसके चित्रों में हेलेन का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस चित्र को बनाने के पूर्व उसने क्रोटोना नगर की 5 सर्वाधिक सुंदर महिलाओं को नंगा कराकर उनके अंग का परीक्षण किया था। उसका धावक का चित्र भी अत्यंत स्वाभाविक है जिसके शरीर से पसीने की बूंदें निकल रही हैं। परेसियस को चित्रों का राजकुमार भी कहा जाता है। उसने एक दुखी मनुष्य का यथार्थ चित्र तैयार करने के उद्देश्य से एक दास की कूप पिटाई करवाई थी ताकि उसकी मुख मुद्रा को देखकर दुख सूचक रेखाओं का वास्तविक अंकन किया जा सके। तो इन उपरोक्त आधारों पर हम ये कह सकते हैं साथियों कि पेरिक्लीस का जो शासनकाल था वो यूनान इतिहास का एक स्वर्ण काल था। जैसे हमारे यहाँ गुप्त काल को स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक ऐसे ही पेरिक्लीस के शासनकाल को यूनान के इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा, आपका ये भ्रम दूर हो गया होगा कि पेरिक्लीस के काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।